राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कैदी अंबेडकर अस्पताल में इलाज के दौरान जेल प्रहरी को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी के फरार होने के बाद से जेल अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। जानकारी के अनुसार ट्रक चोरी के मामले में आरोपी शहबुद्दीन अहमद काजी उर्फ सब्बू काजी पकड़ा गया था, जिसे केंद्रीय जेल चिकित्सक के परामर्श पर विचाराधीन बंदी को आगे की जांच और उपचार के लिए अम्बेडकर अस्पताल भेजा गया था और जिसे मनोरोग विभाग में भर्ती कराया गया था, जहाँ से विचाराधीन कैदी हथकड़ी निकालकर फरार हो गए। इस मामले को लेकर मोधा पारा थाने में केस दर्ज किया गया है, वहीं पुलिस उसकी तलाशी में सरगर्मी से जुटी है। अंतराई में जो एक एफआईआर हुआ था 420 के तहत, उसका आरोपी जेल में बंद था, उसको कुछ समस्या थी, उसके जो लेकर के मेकाहारा लिया गया था। वहाँ से जो है ये शाम को लगभग 8 बजे जो है वहाँ पर जो तैनात जवान था उसको चकमा देकर के वहाँ चला गया, जिस पर जो है मोदापारा थाने में भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की पता तलाश की जा रही है।